डियर स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग चलते हैं क्लास 12th के लिए सब्जेक्ट केमिस्ट्री को पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा कि जानते हैं आप, हम लोग अभी केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं। मेथिलामीन को हम लोग पढ़ रहे थे। एक यौगिक है जिसका नाम है मेथिलामीन। उस मेथिलामीन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, उसका निर्माण देखा, उसका गुण देखा और उसका अलग अलग यौगिक के साथ अभिक्रिया को देखा कि किसके साथ अभिक्रिया कराने पर कौन सा प्रतिफल बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग एक नया यौगिक जिसका नाम है एथिल एमीन, ठीक है, क्या नाम है इसका, एथिल एमीन, एथिल एमीन के बारे में सीखते हैं कि आखिर एथिल एमीन होता कैसे, होता क्या है, इसका गुण क्या है, इसके अभिक्रिया के बारे में। यानी कि एक यौगिक है जिसका नाम है एथिल एमीन, ठीक है, एथिल एमीन का हम लोग आइए चलते सीखते हैं कि आखिर निर्माण कैसे होता है। तो फर्स्ट नंबर में हम लोग निर्माण ही सीखेंगे कि आखिर निर्माण होता कैसे है, ठीक है। तो निर्माण एथिल एमीन का कैसे होता है, तो फर्स्ट एरो देखकर लिखा जाए। फर्स्ट एरो, जब हेलो एथेन को जब हेलो एथेन को हेलो एथेन को अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो एथिल एमीन का निर्माण होता है, एथिल एमीन का निर्माण होता है। जी हाँ, याद रखिएगा हम लोगों का एथिल एमीन कब बनता है, तो जब हेलोएथेन, और हेलोएथेन का जनरल फार्मूला अगर बात किया जाए, रूल, हेलोएथेन का फार्मूला हुआ CH3 CH2 और X, ठीक है, ये हम लोगों का हेलोएथेन हो गया। हेलोएथेन को अगर दोस्त अमोनिया के साथ, अमोनिया बोले तो NH3 के साथ अगर हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो बाद बाकी बनेगा क्या, एथिल एमीन। एथिल एमीन का फार्मूला क्या, CH3 CH2 NH2 और बाद बाकी प्रोडक्ट में और हम लोगों को बाहर हो जाएगा HX। देखता रहोगे, अगर कोई पूछेगा कि एथिल एमीन बनता कैसे है या एथिल एमीन का निर्माण कैसे होता है, आप बताएंगे कि जब एथिल अल्कोहल, देखिए सॉरी एथिल हेलोएथेन, इसको हम लोग हेलोएथेन बोलते हैं, हेलोएथेन को अमोनिया के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्शन के बाद बनता क्या है, एथिल एमीन। अब इसके एग्जाम्पल हम लोग बहुत सारा दे सकते हैं। हेलोएथेन का मतलब क्या समझते हैं, हेलो मतलब हेलोजन, और हेलोजन को एक्स से सूचित करते हैं, आपको पता होना चाहिए। और ये जो हेलोजन है ये क्या क्या हो सकता है, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एम्स्टेटाइन, ये सब हम लोगों का हेलोजन है, ठीक है। तो अगर दोस्तों हम अगर ब्रोमो एथेन यानी कि CH3 CH2 और BR, इसको ब्रोमो एथेन बोलेंगे, अगर ब्रोमो एथेन को भी दोस्तों अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हम लोगों को पहले एथिल एमीन बनेगा। एथिल एमीन बोले तो CH3, यहाँ CH3 एंड CH2 एंड NH2, यहाँ पे हर केस में हम लोगों का एथिल एमीन बनने वाला है, लेकिन बाहर क्या होगा, तो हाइड्रोजन और एक्स के रूप में हम लोगों ने ब्रोमीन लिया है तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr, ठीक है। तो बिल्कुल याद रखिएगा कि एथिल एमीन बनता कैसे है, तो सिंपल वे में जब हेलो एथेन को अमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं हमेशा बनेगा एथिल एमीन, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल नंबर 2। अगर मान लिया रहेगा क्लोरो एथेन
यानी कि सीएल जुड़ा हुआ है। एक्स के रूप में तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एम्स्टरडाइन कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे क्लोरीन है और ये दो कार्बन है। इसके साथ अगर अमोनिया का रिएक्शन कराते हैं NH3 तो क्या बनेगा? ठीक है, इसका आप खुद से कंप्लीट कर सकते हैं। कुल मिलाकर हम लोगों को यही प्रोडक्ट बनेगा जिसका नाम है एथिलामिन। एथिलामिन ही बनेगा, लेकिन बाद बाकी क्या बाहर होगा? तो H और Cl बाहर हो जाएगा, यानी कि HCl, ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बाहर हो जाएगा। अच्छा, इसी तरीके का तीसरा एग्जाम्पल भी है। हम आयोडो एथेन भी ले सकते हैं, जैसे CH3, CH2 और I और अमोनिया NH3, ठीक है। तो अगर हम लोग आयोडो एथेन को अमोनिया के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे बनेगा हम लोगों को एथिल एमीन और प्लस में हाइड्रोजन आयोडाइड बाहर निकलेगा, ठीक है। तो ये तो हम लोग था एथिल एमीन का निर्माण, ठीक है। चलिए सेकेंड में लिखा जाए गुण के बारे में, ठीक है, कि आखिर एथिल एमीन का क्या प्रॉपर्टीज है, क्या गुण है। तो फर्स्ट में अगर लिखेंगे गुण में, एथिल एमीन के निम्नलिखित गुण हैं। इसके गुण के बारे में पूछा जा रहा है कि आखिर एथिल एमीन के क्या क्या गुण हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो एथिल एमीन के गुण निम्नलिखित हैं। नंबर वन, यह ज्वलनशील होता है। ज्वलनशील का मतलब जैसे ईंधन को हम लोग जला पाते हैं, जलता है, वैसे ही याद रखिएगा एथिल एमीन भी क्या है? एक ज्वलनशील पदार्थ है, एक जलने वाला पदार्थ है, ठीक है, तो ज्वलनशील होता है। दूसरा, इसका जलीय विलयन, इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर एथिल एमीन का अगर क्षार रहेगा, ठीक है, तो सॉरी, जलीय विलयन क्या होता है? क्षारीय। जलीय विलयन का मतलब एथिल एमीन का अगर जल में घोला जाता है, यानी जल का विलयन बनाया जाता है, तो वह एक क्षार जैसा रिएक्ट करने लगता है। और हम लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा अम्ल, क्षार और लवण में, कि अगर pH वैल्यू 7 से ज़्यादा होता है उसको क्षार कहते हैं, और अगर 7 से कम होता है उसको अम्ल कहते हैं, और पूरा पूरा अगर 7 रहेगा उसको उदासीन कहते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर हम लोगों का, हम लोग क्या लिखें कि इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। बिल्कुल इसका गुण है कि जब इसका जलीय विलयन बनाया जाए, जल में घोला जाए, तब इसका जो हम लोगों को प्राप्त होगा वो एक क्षार प्राप्त होगा, मतलब उसका pH वैल्यू 7 से ज़्यादा होगा। अब तीसरा नंबर में लिखा जाए, यह एक रंगहीन द्रव है। जैसा कि हम बहुत सारा कंपाउंड पढ़े हैं, उसका गुण जो है रंगहीन द्रव होता ही है। इस क्योंकि आपको बात याद रखना चाहिए कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं, वो ज़्यादातर क्या होते हैं? रंगहीन ही होते हैं, जिसका कोई रंग नहीं होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसका यह एक रंगहीन द्रव है। और चौथा नंबर गुण लिखा जाए, इसका क्वथनांक 292 केल्विन होता है। इसका क्वथनांक 292 केल्विन, इसका क्वथनांक 292 केल्विन होता है। तो आपको पता चला कि एथिलेम, अब रहा बात कि सर एथिलेमिन का निर्माण बस एक ही तरीके का है, हाँ, इसमें जो है एथिलेमिन का निर्माण एक ही तरीके से होता है, आपको याद रखना है। मेथिलेमिन हम लोग दो तरह से तैयार करते हैं, तो खैर वो मैटर नहीं करता, निर्माण कई तरीके से भी किया जा सकता है, लेकिन हम लोग इसमें एक ही तरीका देखे हैं,
फिर एथिलेमिन के गुण के बारे में पढ़े कि इसका क्या क्या गुण है। अब चलिए हम लोग इसके अभिक्रिया को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जो कि थर्ड नंबर है। तो दूसरा में गुण हम लोग लिख लिए, तीसरा में लिखा जाए अभिक्रिया। अब अभिक्रिया भी अलग अलग तरीके से है, ठीक है। तो पहला हम लोग लिखेंगे तीसरा का ए नंबर, एसिड क्लोराइड के साथ। एसिड क्लोराइड, अब एसिड क्लोराइड का फार्मूला हम आपको पीछे ही बता चुके हैं, CH3CO Cl। तो चीज़ों को ना आप थोड़ा सा याद रखिए, गौर कीजिए कि कौन सा फार्मूला, क्योंकि फार्मूला अगर याद नहीं रहा तो आप रिएक्शन नहीं करा पाएंगे, ठीक है। तो अभिक्रिया में पहला किसके साथ कर रहे हैं, एसिड क्लोराइड के साथ। एसिड क्लोराइड के साथ, एसिड क्लोराइड का फार्मूला CH3CO Cl। उसके नीचे एरो देंगे, लिखा जाए जब एथिल एमीन को, जब एथिल एमीन को एसिड क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो एसिड क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो एन एथिल, वहां से देखिए हम लोगों का एन मेथिल बन रहा था, यहां लिखा जाए एन एथिल वन ऑक्सी एथेन वन एमीन, एथेन वन एमीन का निर्माण होता है, एथेन वन एमीन का निर्माण होता है, ठीक है। चलिए तो इसका रिएक्शन देख लेते हैं, क्या था हम लोगों का, एथिल एमीन CH3 CH2 NH2, ये रहा एथिल एमीन, और हम लोग एसिड क्लोराइड के साथ CH3 CO Cl के साथ अगर अभिक्रिया कराते हैं तो हम लोगों को 2 पे एथिल जोड़ना है, सॉरी एन पर एथिल, तो एन यहाँ पे मान लिया जाए और इससे CH2 और CH3, एन पे एथिल हो गया और वन ऑक्सी, तो एक कार्बन से को जोड़कर और यहाँ ऑक्सीजन लगा दिए, ताकि यहाँ हो गया हम लोगों को कार्बन पे ऑक्सी और एथेन वन एमीन, यानी कि CH3, और बाद बाकी हम लोगों को बाहर क्या होगा, तो CH3 CH2 NH2 तो जुड़ गया, ठीक है। अब हम लोगों को बाद बाकी बच गया क्या, तो HCl बाहर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग देख पाए अभिक्रिया का पहला अभिक्रिया जो हम लोग करा रहे थे एसिड क्लोराइड के साथ, ठीक है। तो दोस्तों अभिक्रिया में और भी दो तीन तरह का अभिक्रिया है जिसको एथिल एमीन के साथ अभिक्रिया कराएंगे, तो आज हम लोग एसिड क्लोराइड के साथ अभिक्रिया को देखें, अगले दिन किसी दूसरे कंपाउंड के साथ अभिक्रिया करा कर देखेंगे कि आखिर प्रतिफल क्या बनता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।